वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। सोचो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के चाहने वाले हो, उनकी हर अपडेट को फॉलो करते हो, उनकी हर अपडेट का इंतजार करते हो, आप सुबह सुबह मस्त खुशी खुशी सोकर उठते हो और आपको पता लगता है कि सोशल मीडिया पर तो BTS को बॉयकॉट किया जा रहा है, बॉयकॉट BTS ट्रेंड कर रहा है, लोग उन्हें हेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं उनकी कंपनी बिगिट की वजह से। आई नो वैसे तो आपके लिए ये मुद्दा नया नहीं होगा क्योंकि पिछले एक साल में हमने ये ऑलमोस्ट हर हफ्ते हर महीने होता देखा है कि लोग BTS को जमकर हेट कर रहे हैं, उन्हें बॉयकॉट करने की बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हजारों लाखों आर्मी के प्रोटेस्ट की बाढ़ आ गई है जिसमें BTS और उनकी कंपनी बिगिट को फिर से लोगों ने अपना निशाना बनाया है। आर्मी, आपको पता होगा इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसराइल और फिलिस्तीन की वॉर, जहां कई बार बिगिट पर ये आरोप लग चुके हैं कि उनके अमेरिकन CEO स्कूटर ब्राउन ने इसराइल को सपोर्ट करते हुए बहुत सारा पैसा उन्हें फंड किया है। और आर्मी ने इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई है, लेकिन ना तो चेयरमैन बांगबीडी ना CEO स्कूटर ब्राउन को इससे कोई फर्क पड़ रहा है, उन्होंने इस पर आज तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन हाल ही में बिगिट ने उनके सबसे बड़े ग्रुप BTS के ना होने की भरपाई करने के लिए अपने एक और सुपर हिट बैंड न्यू जींस के कमबैक की अनाउंसमेंट कर दी, जो पिछले काफी टाइम से हाइटस पर था, जिसे देखकर उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए। और देखते ही देखते बिगिट का शेयर एक दिन के अंदर 8% ऊपर चला गया और बिगिट को एक झटके में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया, जिसे देखकर BTS आर्मी बहुत ज्यादा खफा हो गई कि बिगिट पैसों के लिए लालच के लिए पूरी तरह से गिर चुका है। फिलिस्तीन वाली कंट्रोवर्सी को उन्होंने आज तक रिप्लाई नहीं किया और अपने प्रॉफिट के लिए पैसों के लिए वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो आर्मी ने नया तरीका अपनाया है कि बिगिट को अपने पैसों पर, अपने रेवेन्यू पर ज्यादा घमंड है। तो आज से ये फैंस BTS की बिगिट की कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे, हाइव के अंदर किसी भी चीज में पैसा नहीं डालेंगे ताकि उनका रेवेन्यू अपने आप कम हो जाए। हालांकि आर्मी अब भी BTS की रिस्पेक्ट करती है, पर अब से ये हाइव के अंदर एक पैसा नहीं डालेंगी ताकि बिगिट को लॉस हो और उन्हें अपनी गलती समझ आए। बाकी आप लोगों को ये तरीका कितना सही लगता है, कितना गलत, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना।